आज हम बात करेंगे बताशा चाचा की। जी हाँ, जब भी इनका नाम आता है चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वैसे एक आर्टिस्ट, एक कॉमेडियन के लिए और क्या चाहिए। जब भी उनके फैंस उनका नाम ले तो उनके चेहरे पे एक हल्की स्माइल आ जाए। खैर, बात हो रही है जो बताशा चाचा की, तो चलिए पहले तो उनके कुछ संघर्षों की बात कर लें। भाई आपको बता दें कि यूपी बिहार में आप अगर अपने परिवार में कभी किसी को कह देंगे कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो वो आपको कभी स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि यूपी बिहार में इसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं माना जाता। नौटंकी, नाटक या यूं कह लेंगे कि भाई इससे कोई घर का गुजारा तो नहीं चलेगा। हाँ, इसके बदले अगर आप ये कह देंगे कि आपको सरकारी नौकरी इससे मिल सकती है तो जरूर आपका कुछ न कुछ भला हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ बताशा चाचा ने नहीं किया था। बताशा चाचा ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। बताशा चाचा की फैमिली ने कभी विरोध नहीं किया कि वो एक्टर न बने, लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इसलिए कोई भी ये कहे कि जाइए आप एक्टर बन जाइए, और वैसे भी यूपी बिहार में इसे कोई अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हाँ, अब बात और है कि नजरिया चेंज होता जा रहा है लोगों का, लेकिन आज से अगर 10 से 15 साल पहले की बात करें तो बिल्कुल नजरिया ऐसा नहीं था। एक्टिंग को कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। बात तब की है जब बताशा चाचा मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने पूरे 10 साल इतने संघर्ष किए कि शायद इस एक्टर की एक्टिंग में निखार वहीं से आया। आपको बता दें कि ये बर्तन मांजने से लेके जूनियर आर्टिस्ट तक का काम करने को तैयार हो गए थे। लेकिन खैर, ये किस्मत की बात है, किस्मत कब बाजी मार जाए आपको पता नहीं चलता। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने रानू मंडल है। खैर, आगे बात करते हैं बताशा चाचा की। बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा। फिल्म थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे। ये फिल्म दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी पहली फिल्म थी और बताशा चाचा की भी पहली मूवी थी। ये बात और है कि फिल्म नहीं चली, लेकिन थोड़ा ही बहुत इन दोनों को नोटिस किया गया। फिर बताशा चाचा की दूसरी मूवी आई। दूसरी मूवी में इन्हें लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। और तीसरी मूवी, भाई इसके बाद इनकी किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि इनका नाम मनोज टाइगर से हटके बताशा चाचा जो पढ़ने वाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाले ने जहाँ एक तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ की किस्मत बदली तो दूसरी तरफ बताशा चाचा की। अब हर एक फिल्म में अगर कॉमेडियन कोई होता तो बताशा चाचा। भोजपुरी फिल्मों की डिमांड बन चुके थे वो। लेकिन आपको यहाँ बता दे कि मनोज टाइगर जो कि बताशा चाचा का कैरेक्टर कर रहे थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके कैरेक्टर का नाम बताशा हो। वो कई बार डायरेक्टर और राइटर से, दोनों से काफी बार झगड़ा करते हैं कि इस नाम को हटाओ, लेकिन उनके राइटर और डायरेक्टर दोनों इतने कन्फर्म थे कि ये ट्रिक तो काम करेगी ही और बताशा चाचा लोगों के जुबा पर होगा और ये कैरेक्टर हिट नहीं सुपर हिट होगा। और ये बात सही भी निकली। जैसे ही निरहुआ रिक्शा वाला रिलीज हुई, लोगों ने, आप यकीन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया गया कि निरहुआ के बाद अगर फिल्म में किसी की भी चर्चा हुई तो वो कोई और नहीं बताशा चाचा थे। अब आपको बताते हैं कि बताशा चाचा के नजर में निरहुआ और बाकी आर्टिस्ट यानी कि पवन खेसारी और निरहुआ, इन सब की क्या अहमियत है। आपको बता दें कि इन सब में कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर निरहुआ के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि निरहुआ के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है और निरहुआ को वो बेहतरीन आर्टिस्ट भी मानते हैं। वो बताते हैं कि जब वो निरहुआ से पहली बार मिले थे तभी उनको यकीन हो गया था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं, क्योंकि जिस सादगी से निरहुआ उनसे पहली बार मिले उस सादगी को ही उन्होंने देखा, परखा और जाना। निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में जब बताशा चाचा को मिले यानी कि मनोज टाइगर को मिले, तब उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और कहा कि उन्हें कुछ सिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस संघर्ष से निरहुआ गुजर के आ रहे थे उस संघर्ष को जी चुके थे मनोज टाइगर। वहीं साथ ही साथ वो पवन और खेसारी की तारीफ करना भी नहीं भूलते, लेकिन उनकी बातों में निरहुआ के लिए जो प्यार है, जो इज्जत है, वो शायद भोजपुरी के और किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं है।
भोजपुरी इंडस्ट्री को वो एक अपना परिवार मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी आपने किसी भी सिनेमा में किसी कॉमेडियन को विलन बनते नहीं देखा होगा, लेकिन अपने इस फिल्मी करियर में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया और इसमें भी सक्सेसफुल रहे। बतासा चाचा यानी कि मनोज टाइगर को लोग एज अ विलन भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये थी जर्नी बतासा चाचा की। यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।